बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, हमने ये जो मूली चॉप करके रखी थी, इस तरह से बॉक्स में रख देते हैं और जब आपको पकाना हो तो बहुत आसानी रहती है। ये हमने प्री प्रेप करके रखा था, आधा काम करके रखा था संडे के व्लॉग में, ठीक है? आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। 5 मैंने लहसुन के जवे चॉप कर लिए हैं, कुछ 2 एक मोटे थे, 2 एक छोटे थे। 5 हरी मिर्चें हैं, उसको चॉप कर लिए। पैन में हमने 1 स्कोप के करीब, देखें इतना ऑयल डाला है, 1 स्कोप 1 किलो मूली में। इसमें डालने लगी हूँ 1 चुटकी, ये चुटकी भर अजवाइन। गरम जैसे ही होगी इसके साथ ही हम डाल देंगे लहसुन, साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर इसका आ गया है तो इसमें डाल देते हैं हम अपनी मूली को। इसको कर लेते हैं जी मिक्स। नीचे से लाएंगे जो हमने ब्राउन किया हुआ मिर्चें और वो डाला है ना लहसुन, बहुत मज़े का फ्लेवर देता है मिर्चें और लहसुन। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 किलो मूली में 1 चुटकी के करीब हम हल्दी डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हरे पत्ते वाली सब्जियों में अपना नमक काफ़ी होता है। एंड जस्ट इसको भूनेंगे, बस इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। देखिए मूली अपना पानी छोड़ रही है, इस पानी को हमने ड्राई करना है, भूनना है इसे अच्छी तरह से। ये पानी ख़त्म होना चाहिए, ऑयल बाहर आना चाहिए, इतना भूनना है। कभी कभी मैं इसको इस तरह करके भी भून लेती हूँ, और कभी कभी ऐसे चम्मच चला चला के भी, तो हर तरह से ये भून जाती है। कोई भी मूली आप तोड़ें तो वो आराम से इस तरह टूट रही है। बहुत कम टाइम लेती हैं सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में बहुत अच्छी भून जाती हैं। देखें ऑयल बिल्कुल आराम से रिलीज हो रहा है, धुआं हो रहा है। भुजिया हमारी हो गई है डन। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें रखी हैं कि ये खूबसूरत लगे। भुजिया हमारी डन हो गई है, इसके साथ बना लेते हैं लहसुन मिर्च की चटनी। बहुत से लोगों को क्वांटिटी पूछनी थी, 15 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं। इसमें 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और 5 ही जवे, 15 मिर्चों में 5 जवे डाल रही हूँ लहसुन के, मोटे मोटे से, इस तरह, ये मोटा मोटा सा है, ठीक है? मेरी दादो हमेशा, हम तो उस पर बनाते थे ना सिल और उस पर कुंडी में कूटते थे, तो मेरी दादो हमेशा मेरे से एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डलवाती थी। तो ये टिप है, क्योंकि लहसुन में भी एक मिर्च होती है, लहसुन में तेज़ी होती है, तो उसके साथ अदरक को वो बैलेंस कर देती थी। इसे हम ग्राइंडर जार में डालते हैं। इसमें मैंने पानी डाला है इतना कि मिर्चें डिप हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 कप के करीब डाला है। ये देखें ये चटनी हमारी ग्राइंड हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। इसका टेक्सचर ये आता है, ये वाला इसका टेक्सचर आता है। इसको कहा जाता है लहसुन मिर्च की चटनी, मूली की भुजिया के साथ सर्दी की में तो बहुत ही अच्छी रहती है। चलें इसका एक नेक्स्ट स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई रखी है, कोई फ्राइंग पैन कुछ भी रखें, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, इसे मेल्ट करेंगे। आँच जो है हमारी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, क्योंकि मिर्चें हैं ना ये उड़ती हैं। इसमें डाल देंगे ये चटनी, और घी के मेल्ट होने के साथ साथ इसे भूनेंगे। इसका जो पानी हमने डाला है ना, उसको हमें ड्राई करना है। नमक आप अपना चख लिएगा, क्योंकि मिर्चें होती हैं तो नमक बैलेंस करना होता है। मैंने तो सही डाला है, अपनी अपनी फैमिली के हिसाब से या तबीयत के हिसाब से। ये पानी हमें भूनना है, खुश करना है। इसको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। आँच हमारी बिल्कुल लो होनी चाहिए, मिर्चें नहीं तो बहुत ज़्यादा नाक में चढ़ेंगी, खांसी आएगी, तो हल्की आँच पे इसे हमने भूनना है। देखें पानी सारा इसका खुश्क होने की तरफ है, साइडों से भी पता चल जाता है, घी छोड़ देगा ये, बिल्कुल मसाले की तरह इसे भूनना है। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हुए हैं और देखें ये भूनने पर आ गई है। जब कोई चीज़ भूनती है ना, वो अपना घी छोड़ देती है, लेकिन इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। जब मुँह का जायका बिल्कुल फीका फीका हो रहा होता है ना, जब हमें नज़ला हो रहा होता है या गला ख़राब हो रहा होता है, तो
कुछ चटपटे को दिल चाहता है, तो ये पराठे के साथ हम लोग तो सुबह नाश्ते में फ्राई एग के साथ भी थोड़ी सी लगा लेते हैं, हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। देखें ये है इसकी फाइनल शक्ल, ये अब पूरी भुन के तैयार है। सारा जो हमने घी डाला था ना वो बाहर आ गया है, बिल्कुल रेडी है। इसको निकालते हैं, लहसुन की भुनी हुई चटनी, धुआं वाली चटनी काफ़ी रहती है इतनी, क्योंकि ये एक टीस्पून या हाफ टी स्पून यूज़ होती है। इसी के साथ एक और चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर है मेरे पास शक्कर, सब घरों में होती है सर्दियों में, तो ये एक कैप भर लिया है मैंने, जिस जार में मेरे पास थी उसमें से मैंने एक कैप ले लिया है। आप भी अपने अंदाजे से एक खाने वाला चम्मच ले सकते हैं, जिससे हम सालन डालते हैं वो वाला चम्मच आप ले सकते हैं। एक बाउल में ये डाल लिया, एक में हमारी चटनी है, एक चम्मच में मैंने डाला है एक टेबल स्पून के करीब घी। आप छोटी सी कढ़ाई में या किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, इसे मेल्ट कर लेंगे, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी गैस आ रही है पर थोड़ी है, कर लेते हैं इसे मेल्ट। ये देखें घी हो गया गरम, इस गरम गरम घी को हम डालेंगे शक्कर पे। तो एक आपका मीठा तैयार है, घी ही शक्कर, और एक आपकी लहसुन मिर्च की भुनी हुई चटनी। यहाँ पे बना लेते हैं रोटी। गरम गरम चले इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखी है गरम गरम रोटी, थोड़ी सी डालेंगे शक्कर और घी, थोड़ी सी डालेंगे भुनी हुई चटनी। मैं आपको डाल के बता रही हूँ कि कितनी आपको यूज़ करनी चाहिए, और भुनी हुई चटनी किसी ख़ास चीज़ के साथ यूज़ होती है, आम तौर पे हम सादी वाली खाते हैं। ये रही हमारी गरम गरम सी भुजिया।